नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपको याद होगा बीते दिन की बात है, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल फूकने के लिए तैयार थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर, इस वक्त कमलनाथ सरकार, वह लगातार भूमाफियाओं पे, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण कर रखा है, भूमि अधिग्रहण कर रखा है, उनके खिलाफ सख्त हो चुकी है, लगातार उनको पकड़ रही है, उनके ऊपर दबिश दे रही है और पुलिस प्रशासन को भी सख्त कर दिया है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय में एक रोष की भावना थी। आपको याद होगा कल हमने कार्यक्रम किया भी था कि किस तरह वहां पर शॉपिंग मॉल वगैरह बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, उन सब सब सबको गिराने का ऑर्डर दे दिया गया है कमलनाथ सरकार द्वारा। इस पर कैलाश विजयवर्गीय सड़क पर उतर आए और कांग्रेस सरकार की निंदा करने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम अभी मतलब रुके हुए हैं, जिस तरह से सरकार कर रही है, वरना पूरे शहर में आग लगा देते, और जो सरकारी कर्मचारी थे उनको उनके काम में भी बाधा डाली है। तो इसको लेकर कमलनाथ सरकार ने अब कड़ा रवैया अख्तियार कर लिया है, सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और कैलाश विजयवर्गीय समेत 350 भाजपाई नेताओं पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस पर फिर कैलाश विजयवर्गीय बिगड़ चुके हैं। धारा 188 क्या होता है, हम आपको बता दें कि जो विधि पूर्वक कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए होते हैं अधिकारी, यदि उनके काम में बाधा डालते हैं या फिर किसी प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है, इसको लेकर धारा 188 लागू की जाती है। तो कैलाश विजयवर्गीय और 350 भाजपा नेताओं पर धारा 188 लागू कर दी है। आपको क्या लगता है कि क्या जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है वह ऐसे ही शांत हो जाना चाहिए? जिस तरह से सरकारें वादा करती हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे या फिर अपराधियों को सामने लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे, तो जब उस पर एक एक्शन लिया जा रहा है, एक क्रिया की जा रही है, तब यहाँ पर रोष किस बात का है सरकार को? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिग्गज नेता है कैलाश विजयवर्गीय, महासचिव है राष्ट्रीय, तो उनको अफसोस तो होगा ही इस बात का। लेकिन इस पर क्या कांग्रेस जिस तरह से अपना रुख अख्तियार कर रही है, सख्त रुख अख्तियार कर रही है, तो यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि वह सत्ताधारी दल है और विपक्षी भी हैं उनके, तो विपक्षी होने के वजह से उन पर ही केवल कार्रवाई की जा रही है। क्या अपराधियों से उनका कोई नाता है? जिस तरह पकड़े जा रहे हैं यह लोग, तो उसके विरोध में खड़े हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो भू माफिया हैं, तो क्या माफियाओं से इनका कोई संबंध है? क्या माफियाओं की हिमायत करना चाहते हैं, उनका बचाव करना चाहते हैं? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।